भोपाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में निशानेबाजी के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में यूपी ने अपना दबदबा कायम रखते हुए स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के निशानेबाजों ने रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई। वहीं राजस्थान और मेजबान मध्य प्रदेश को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। रजत पदक जीतने वाले हरियाणा के निशानेबाज से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। इंडिया में शूटिंग के मुकाबले जारी हैं और कुछ नए सितारे एक बार फिर से निकल करके सामने आ रहे हैं। ये हैं 10 मीटर एयर पिस्टल के वो सितारे जिन्होंने हरियाणा के लिए सिल्वर मेडल जीता। यूपी के साथ मुकाबला था, कितना टफ मुकाबला था सुरुचि, और कैसे आपने यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल किया और सिल्वर फाइनल जीता? मुकाबला तो बहुत टफ था लेकिन कंट्रोल किया मैच प्रेशर। कब से ट्रेनिंग कर रहे हो, यहाँ तक का सफर कैसा रहा? पहला खेलो इंडिया था, कितना एक्साइटमेंट रहा? एक्साइटमेंट ठीक था, प्रेशर भी था थोड़ा, फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया था। 2019 में शुरू किया था, यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। इनके फादर हैं और आपको बताऊँ ये आर्मी से हैं। सर, आर्मी से शुरू आपका सफर, बेटी आज आपके ही पदचिन्हों पे चल रही है, कितनी खुशी की बात है? मेरे को बहुत बड़ी खुशी है कि बच्ची यहाँ तक पहुँची है और आगे तक हम ओलंपिक तक लेके जाएंगे। हमारी यही चाहना है कि ओलंपिक खेले हम। आपने पेयरिंग में रखा, किस तरह का कंपटीशन था यूपी के साथ और आपके लिए पहला एडिशन था, कितना आप एंजॉय कर पाए? हमने बहुत एंजॉय करा, काफी टफ कंपटीशन था उसके बाद भी, पर जिस तरह से हमारा पहला मैच था ये उस बहुत अच्छा खेला हमने। संगीता जी, बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं, अदर स्टेट से भी आ रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं, किस तरह की जुगलबंदी देखते हैं इनके बीच में, किस तरह का कॉम्पिटिशन आप देखते हैं? आप ये नहीं कह सकते कि लड़के ही आगे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लड़कियां भी आगे आ रही हैं। अभी तक आपने देखा होगा हमारे अभिनव बिंद्रा जी का नाम सुना है आपने, गगन नारंग जी का नाम सुना है। अब की बार आप आने वाले ओलंपिक में हो सकता है हमारे देश से लड़की भी मेडल लेके आएगी, और काफी अच्छी जो शूटिंग कर रही है लड़कियां भी काफी अच्छी फाइट दे रही है। मतलब ये अच्छा है कि एक स्टेट से, अलग अलग स्टेट से आते हैं, काफी सीखते हैं आपस में, यहाँ पर आपस में मिलके खेलते हैं तभी तो टफ कंपटीशन होगा ना। अपने अपने में खेलेंगे तो कहाँ से टफ कंपटीशन है, फाइट भी तो चाहिए ना बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, फाइट चाहिए और ये फाइट इन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं फेस करी, और जो आज इनके गले में ये सिल्वर मेडल है ये तो इनकी शुरुआत है, आगे ये देश के लिए और भी नाम रोशन करते रहेंगे। कैमरा मजीद के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज भोपाल। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज।